न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में होगा यूएन क्लाइमेट समिट, पीएम मोदी ने रखा प्रस्ताव। पंजाब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का है मामला। आज से बढ़ गए एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम। बिहार में 75% आरक्षण के कानून पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। बिहार में बदलेगा मौसम, बारिश का जारी हुआ अलर्ट। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने 2028 में भारत में COP 33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर होने वाले इस समिट की 2018 में मेजबानी करने के लिए तैयार है। दुबई में COP 28 में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने परिस्थिति की और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर दुनिया के सामने विकास का एक मॉडल पेश किया है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा परिवर्तन न्यायसंगत और समावेशी होना चाहिए। विधेयकों के मंजूरी को लेकर विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सीएम एमके स्टालिन के साथ बैठक करने और गतिरोध दूर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से गतिरोध सुलझाने के लिए मुलाकात करने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, पंजाब पुलिस से जांच का अधिकार नहीं छीना गया है। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को साथ बैठकर विचार विमर्श करने की भी सलाह दी है। आज से एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि ये इजाफा 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह लेखकों की तरह बनना चाहते हैं और सच को उसी रूप में रखना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलना आसान नहीं है, इससे कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है। वह केरल के कन्नूर में आयोजित टी पद्मनाभन के प्रियदर्शनी साहित्य सम्मान समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में उनकी इच्छा एक लेखक की तरह बनने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की दो प्रमुख सीमाओं को अगले 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा और इन दोनों ही मोर्चों पर करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में खुली जगहों को बंद करने का काम जारी है। शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग में आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। बिहार में 75% आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर बनाए गए अधिनियम पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 12 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। वहीं इस कानून पर रोक लगाने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव को मुखिया बनने लायक भी नहीं रहने दिया, उसी की चरण वंदना कर रहे हैं, क्योंकि बेटे तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द सीएम बनाना चाहते हैं। सीएम नीतीश पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सनातन धर्म की छुट्टियां रद्द कर हिंदू जनता के साथ अच्छा नहीं किया। ये बातें सम्राट ने बक्सर में कही। उत्तराखंड में टनल से रेस्क्यू किए गए बिहार के 5 मजदूर पटना लौट आए हैं। आज सुबह उन्हें दिल्ली से फ्लाइट के जरिए नीतीश सरकार पटना लेकर आई। मजदूरों के साथ बिहार सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना एयरपोर्ट से उन्हें अपने अपने जिलों में रवाना कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में आज से मिशन दक्ष की शुरुआत हो गई। भाषा और गणित विषयों में कमजोर छात्रों को चिन्हित किया गया है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई में सुधार हो सके। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेले की आज से शुरुआत हो गई। बुक फेयर 12 दिसंबर तक चलेगा। इस बार थीम स्त्री नेतृत्व रखी गई है। पुस्तक मेले में देश भर के साहित्यकार विभिन्न गोष्ठियों और कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय मखाना उत्सव शुरू हो गया है। इसमें राज्य भर से मखाना किसान जुटेंगे। इसका आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मखाना की खेती से जुड़े लोगों को इस कारोबार में बढ़ोतरी के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के नए छुट्टी कैलेंडर पर हो रहे विवाद के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी एक्टिव हो गए हैं। अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान छुट्टी की तालिका होगी।
राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश के बाद राजभवन साल 2024 के लिए एक समान विश्वविद्यालय अवकाश कैलेंडर तैयार करने में जुट गया है। इसको लेकर 3 कुलपतियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। खबर झारखंड से। पलामू जिले के मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरफ जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम हेमंत सोरेन ने 99 करोड़ की लागत से निर्मित 110 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पलामू जिले में चलने वाली 91 करोड़ 46 लाख रुपए की 72 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 68.67 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन हरिहरगंज प्रखंड, हुसैनाबाद प्रखंड समेत अन्य प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी ली। झारखंड के गुमला जिले के गुमला प्रखंड के अरमई गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। राज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि आप हड़िया व दारू पीना छोड़ दें, शिक्षा को अपनाएं एवं सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनें। झारखंड में बिरसा मुंडा की जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की है, यह इस राज्य के लिए गौरव की बात है। अब बात मौसम के मिजाज की। बादलों की आवाजाही और पूर्वा हवाओं के प्रभाव से मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। कोहरे की सघनता बढ़ी है, इससे विजिबिलिटी और घट गई है। रोहतास जिले के डेहरी और कैमूर में बीते 24 घंटे के भीतर छिटपुट बारिश हुई। इसके अलावा राजधानी पटना में भी गुरुवार दोपहर और शाम में आंशिक बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग ने आज भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार जताए हैं। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।